फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग कुर्ती की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग बताऊंगी, दोनों बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, पार्ट वन और पार्ट टू, क्योंकि एक ही में करने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आपको कटिंग स्टिचिंग समझ में नहीं आती। तो ये वीडियो रहेगी कटिंग की, पार्ट टू होगी स्टिचिंग की। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप से ये लॉन्ग कुर्ती है, देखिए कितना खूबसूरत ये लॉन्ग कुर्ती है, इस तरीके से वर्क किया हुआ। इसका हमने प्लाजो भी इसी के मैच बनाया है, ये देखिए कट वर्क वाला। तो इसका प्लाजो मैं प्लाजो पैंट दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस टाइप से हमने प्लाजो पैंट बनाया, बहुत ही खूबसूरत है ये। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने इसकी कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ है, इसकी ये डिजाइनिंग हमने कैसे बनाया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ, दुपट्टे में भी इस टाइप से ये बनी हुई है, तो इसी का मैच हमने इसका भी बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग लॉन्ग कुर्ती की। तो यहाँ हमने लॉन्ग वाली कुर्ती की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर रेडी नेक है। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी सूट कटिंग स्टिचिंग की आइडिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसी टाइप की कुर्तियाँ लेंगे जिसमें नेक फ्रंट की रेडी हो। तो ये इसी टाइप की हमने भी ले लिया है आप लोग को बताने के लिए। तो इस टाइप की कुर्तियाँ लेना है। उसके बाद इसको करना है ओपन यहाँ, तो ये यहाँ से ज्वाइंट रहती है तो हमें इसको अलग करना होता है। तो इसको हम अलग अलग सिलाई खोल देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से सिलाई है तो इसको हमें खोल देना है, अलग अलग कर लेना है। फिर इधर भी सिलाई है ये, तो ये सिलाई हमने अलग अलग कर लिया देखिए इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, इसी में सारे मैनेजमेंट लेना है। देखिए कुछ इस टाइप की ये कुर्ती है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी ट्रेंड में ये कलर चल रहा है। तो अभी इस मौसम में ये ग्रीन कलर और भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसको करेंगे ऐसे डबल, ये लंबाई हमें फुल रखना है, लंबाई से हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है क्योंकि लॉन्ग ही बनानी है, हमें लॉन्ग कुर्ती ही बनानी है। तो लंबाई से कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम सफाई से कर लेंगे डबल ये देखिए ऐसे। इसको बैठाना ही मेन रहता है, अगर ये आपकी अच्छे से बैठ जाएगी तो आपकी कुर्ती भी अच्छे से कटिंग हो जाएगी। तो इसको हम बराबर से अच्छे से बैठा लेते हैं ये, तो ये हमने ऐसे बैठा लेना है। देखिए ये हमने अच्छे से बैठा लिया, ये गला को अच्छे से सेट कर लेते हैं। लंबाई से कुछ नहीं करनी है हमें, यहाँ से अब देखनी है शोल्डर। तो शोल्डर हमें लेनी है यहाँ से, हमें ये यहाँ से मिलानी है ये, तो यहाँ ऐसे। तो यहाँ 7.5 पे एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे हमने 7.5 पे एक मार्क लगा लिया। अब टेप को हम सीधा ऐसे रखेंगे और एक मार्किंग लगाएंगे ऐसे 7 इंच पे जो कि चेस्ट का होगा, एक लगाएंगे 14 इंच पे, 14 इंच पे जो कि कमर का होगा, और एक लगाएंगे 22 इंच पे, 22 इंच पे जो कि हिप का होगा। तो ये मार्किंग को अब सीधा हम ड्रॉ कर लेंगे, सीधा लाइनिंग इसका खींच देंगे ये। तो ये हो गया हिप वाला लाइनिंग और ये हो गया कमर वाला लाइनिंग, ये लाइनिंग को सीधा हमें खींचना है। तो ये हिप, ये कमर और ये हो जाएगा चेस्ट वाला, ये देखिए। अब यहां से हमें मिलाना है ये लाइनिंग को, शोल्डर से सीधा यहां लाना है। तो पहले हम चेस्ट को नापेंगे, तो चेस्ट है 34 इंच, तो उसका हम चौथाई हिस्सा लेंगे। चेस्ट का 34 कंप्लीट है तो उसका 1/4 लेंगे नाप का, तो 8.5 इंच यहाँ से ऐसे करके नाप लेते हैं। तो ये 8.5 इंच फिटिंग, 8.5 इंच फिटिंग वाला, और सब में हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा। अब हमें देखना है कमर, तो कमर है 30 इंच, तो फिर उसका हम चौथाई हिस्सा निकालेंगे। तो बिगनर्स को टेप को 4 भागों में बांट लेना है, डिवाइड कर लेना है, उसका जो आएगा तो ये
कमर आ रहा है 7.5 इंच, तो इसको फिर हम अच्छे से ऐसे करके नाप लेंगे। तो ये हो गया 7.5, और इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग। अब यहाँ से देखना है हिप, तो हिप है 34 इंच, तो फिर उसका हम चौथाई हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ से ऐसे लेंगे और ये ऐसे लेंगे, इसका भी 7.5 आएगा, और इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे। तो यहाँ हमने लूजिंग ले लिया। अब इस लाइनिंग को हमें मिलाना है, तो पहले ये नीचे वाला अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमें ये होगा फिटिंग, तो ये फिटिंग वाला। फिर इस तरीके से इतना एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि कभी कभी लूज भी करना होता है, तो मार्जिन होना जरूरी है। तो ये हो गया फिटिंग वाला। अब यहां से देखिए आर्म होल, तो हम यहां से 7 इंचेस पे इससे इसको मिलाएंगे सीधा। ये लाइनिंग को हमें सीधा लेना है ऐसे। इसको पहले हम गले को बराबर कर लेते हैं, ये। और ये लाइनिंग बराबर है, तो इसमें हमें यहां से पहले ये लाइनिंग को सीधा करना है, उसके बाद 1/2 इंच इसको हमें आगे की तरफ कम रखना है यहाँ। अब उसके बाद इसमें हम देंगे गोलाई, तो हम गोलाई यहाँ 2 इंच का देंगे। अब इसमें ये वाले मार्किंग को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो ये आर्महोल वाली लग गई। अब नीचे वाली देखना है दामन, तो दामन आपको कितना रखना है वो आप दामन देख लीजिएगा। तो अब हम दामन की मार्किंग लगाएंगे, तो यहाँ से हम ऐसे सीधा रखेंगे, 22 इंच कंप्लीट रखेंगे। तो यहाँ से 11 होना चाहिए ये, तो कटिंग हम 11 पे करेंगे, रेडी 11 पे, और 2 इंच इसमें भी लूजिंग एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब इस लाइनिंग को इस लाइनिंग से मिलाएंगे। मिलाने के लिए यहाँ पे हमने एक सीधा स्केल ले लिया है, इसी की हेल्प से हम ये वाला मार्किंग कर लेंगे नीचे हमें ऐसे, फिर इधर से इतना। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग, तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो आगे वाली हो गई, इसको अच्छे तरीके से पहले बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच डाउन नहीं दिया है, तो वो भी दे देते हैं। ऐसे लेना है और यहाँ से ऐसे पकड़ना है, और इसमें 1/2 इंच हमें डाउन देना है। तो ये मार्किंग हमने डाउन वाला लगा लिया है। अब चलिए इसके करते कटिंग, ऊपर से ही कर लेते हैं। यहां से आर्महोल निकालेंगे, ये देखिए, तो यहां से हमने आर्महोल निकाल लिया। अब हमें नीचे से कटिंग करना है, इसको पहले अच्छे से बराबर से रख लेते हैं। अब नीचे वाला कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये हो गई इसकी कटिंग कंप्लीट, आगे वाली पल्ला की। ये देखिए, अब इसी को रखते हुए पीछे वाला की कटिंग करते हैं। ओपन किया था वो हो गया पीछे वाला पल्ला, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको अब बैठाएंगे। हमने इसको डबल फोल्ड करके बैठा लिया। अब इसके ऊपर आगे वाले को डालेंगे ऐसे, तो यहाँ हमने इसको
बराबर से डाल लेना है। तो ये हमने डाल लिया, इसके ऊपर इसको अच्छे से बैठा दिया है। ये अब इसी के बराबर पहले इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ हमने पीछे वाला भी कटिंग कर लिया, आगे वाला भी कटिंग हो गया। अब इसमें हमें आगे वाला में 1/2 इंच का गहराई देना होता है, तो वो मैं इतना गहराई इसमें देती हूँ पीछे वाला को छोड़ते हुए, सिर्फ आगे वाले में। इधर से निकालते हैं, सिर्फ ये 2 पग को लेना है। ये देखिए, तो ये आगे वाले में गहराई गोलाई निकाल दिए हैं। अब बैक नेक, तो बैक नेक हमें बस 2 से 1.5 इंच का कटिंग करना है। तो यहाँ हम 2 इंच का कटिंग करेंगे, हमें ज़्यादा नेक डिप नहीं बनानी है, क्योंकि रेडीमेड कुर्तियाँ में जो रहती है बस हल्का सा हमें नेक बनानी है। तो ऐसे लेंगे, कटिंग का वीडियो मैं ईजी बता रही हूँ, स्टिचिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो ये हो गया कमर का, ये हो गया हिप वाला, और ये हो गया चेस्ट वाला। ये अब क्या करते हैं, बाजू की कटिंग करते हैं। आगे का गला तो इसमें बना हुआ रेडी है, तो इसमें आगे नहीं बनाना है, पीछे का बनाते हैं। पीछे का भी हमने कट कर लिया, इसका पट्टी कटिंग करेंगे और बाजू कटिंग अब करेंगे। ये वाला फैब्रिक जो है इससे हमें बाजू निकालना है। फैब्रिक को डबल करके ऐसे डबल रख लिया है, उसके बाद अब हमें इसको करना है 4 फोल्ड ऐसे। अब इसमें हमें बाजू की लंबाई देखनी है, तो बाजू की हमें कंप्लीट लंबाई चाहिए 19 इंच। इसकी पहले हम देखते हैं कितना है, तो ये 22 है। तो पहले यहाँ से हम सीधा कर लेंगे बराबर, पहले ये चीज को बराबर कर लेते हैं। अब यहां से हम 1 इंच लेंगे, सिलाई के लिए। अब यहां से कंप्लीट नापेंगे 19 इंच, ये जाएगी। फिर इधर से भी 19 नापते हैं, तो ये होगी कंप्लीट वाली लेंथ। इसको यहाँ पे अब मार्किंग करेंगे ये, और 1/2 इंच इसमें हम ऐसे बढ़ा लेते हैं जो कि सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हमें देखना है गोलाई, तो बाजू की गोलाई है यहाँ से 4.5 इंच फिटिंग वाली, और 2 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी लूज भी करना होता है। अब यहाँ से इसका हम आर्म होल देखेंगे, तो आर्म होल चाहिए हमें 7 इंच, तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे। और यहाँ से हमें मार्किंग लगाना है 2 इंच, अब इस लाइनिंग को सीधा करना है। अब इसी में हमें बाजू की शेप देनी है, तो ऐसे लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। ये एक स्केल ले लिए सीधा वाला, अब ये जाएगा फिटिंग, ये जो मार्क लगाएंगे ये फिटिंग वाला हो जाएगा, और ये जो है ये एक्स्ट्रा वाला हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये
हमने बाजू की कटिंग कर लिया, अब इसमें भी हम सेफ देंगे। सेफ कैसे देंगे वो देखिए, तो एक ये है और यहाँ पे पहले हमें ऐसे कट लगाना है और उसके बाद ऐसे आगे वाले में सेफ देना है। तो एक में पहले मैं दे देती हूँ, हाफ हाफ इंच का ही ऐसे कटिंग कर लेना है यहाँ तक। तो एक सेफ हमने इसमें दे दिया, तो एक बाजू ऐसे जाएगी ये और दूसरी बाजू इधर से जाएगी, ऐसे लेंगे इसको, ये उल्टा साइड से रख रहे हैं, फिर एक ऐसे जाएगी। तो फिर यहाँ पे हमें मार्क लगाना है आगे वाले के लिए, ये अब इसमें भी कर लेंगे हाफ इंच की कटिंग ये। तो ये बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, गला के लिए पीछे जो गला लगेगी उसके लिए उड़ेप पट्टी। तो ये जो फैब्रिक है हम इसी से उड़ेप पट्टी निकाल देंगे, उड़ेप पट्टी ही गला पे पीछे लगती है, तो वो वाली पट्टियाँ निकाल देते हैं। ये तो ये उड़ेप पट्टी गले पे चली जाएगी, तो साड़ी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब चलिए पूरी को दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हो गई दोनों बाजू, इसी में है दोनों बाजू। ये हो गई आगे वाली पल्ला, इसके नीचे है पीछे वाली पल्ला और इसके जो नेक पे पट्टी लगेगी गला की पट्टी, ये हमने उड़ेप कट किया है, ये पूरे गोलाई में लग जाएगी, तो वो स्टिचिंग में आपको समझ में आएगी। तो पार्ट टू जरूर देखिएगा इसके स्टिचिंग की वीडियो। तो ये पार्ट वन है। तो इस टाइप से पूरी कटिंग हमने कर लिया है ये लॉन्ग कुर्ती की। घर में आप इजिली बना सकते हैं इस टाइप से लॉन्ग कुर्ती। तो आज की ये लॉन्ग कुर्ती की कटिंग कैसी लगी फ्रेंड्स, आज की ये लॉन्ग कुर्ती की कटिंग पसंद आई हो तो करना है इस वीडियो को लाइक। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके स्टिचिंग लेकर। इससे इसके बाद हमने स्टिचिंग का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाइए मेरे चैनल अमेजिंग स्टाइल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। तो फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।